इतिहास गवा रहा है कि हमारे देश में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में ओलंपिक से लेके हर जगह ज्यादा नाम किया। कितनी मुश्किल से वो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं। घर से बाहर अगर निकल रही हैं तो और जगह तो छोड़ दीजिए, एक जो दूसरा घर उनके लिए जो बहुत पवित्र मंदिर जैसा होना चाहिए, उनका खेल संघ, वहीं पे जो सर्वोच्च सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है उसी की गलत निगाह लगी हुई है। दो बातें बड़ी खुल के आई हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट। यह मनोबल किसी का कहां से आता है कि अपराधी होते हुए भी, कम से कम एक्यूज है वो व्यक्ति, और एक्यूज होते हुए भी इतना मनोबल है, यानी कि उस व्यक्ति को यह पता है कि किसी भी तरीके से उस टेस्ट में वो बरी हो जाएगा। और वो किस तरीके से होगा बरी, क्या उसका वहां पे प्रभाव है? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यवस्था लागू होने के लिए उसका एक परिवेश होना जरूरी होता है। जैसे न्याय का शासन स्थापित होगा तो न्याय का एक परिवेश होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा परिवेश है? अभी पिछले दिनों एक फैसला आया इस देश के गृह राज्य मंत्री के ऊपर। जी कभी भी मैंने सुना कि वो उनके मामले में आई विटनेस थे, जेल लाइट मर्डर था, लेकिन एक दिन के लिए भी उनको जेल नहीं जाना पड़ा, और गृह मंत्री रहते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है, सुनवाई होती है। सवाल यह है कि जो हमारे देश की शक्ति है वो किसके साथ खड़ी है, वो क्या मैसेज दे रही है? अभी यहाँ पे देखा जाए तो जो रेसलिंग फेडरेशन है, कायदे से सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के अंतर्गत यह मैंडेटरी है कि वहां पर एक इंटरनल कमेटी बने। आज तक रेसलिंग फेडरेशन ने कोई कमेटी नहीं बनाई। जो मीडिया रिपोर्ट से इंडियन एक्सप्रेस अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कुछ महिला पहलवानों ने अपने फिजियोथेरेपिस्ट से शिकायत किया, उनसे उनसे रोते हुए अपनी बात कही। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि हमने जो है कोच को बताया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, यानी कि ऐसे ही अलर्ट टप्पू चल रहा है। अगर एक प्रॉपर कमेटी होती इंटरनल तो वो बातें वहां पे सुनी गई होती, शायद ये बात यहाँ तक आती भी नहीं और वहीं पे रिड्रेसल हो जाता, जैसा कि इस एक्ट की भी मंशा है, प्रोहिबिशन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, यानी पहले तो होने नहीं देंगे ऐसी घटना, यदि ऐसी घटना कोई होने वाली होगी उसको रोक देंगे, यदि घटना हो गई है तो हम रिड्रेसल करेंगे उसका। ऐसी कोई कमेटी रेसलिंग फेडरेशन के पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि रेसलिंग फेडरेशन का सेक्सुअल हरेसमेंट के प्रति क्या अप्रोच है ये साफ दिखाई देता है। नंबर एक चीज, इससे एक परिवेश निर्मित होता है कि लड़कियां दो तरह से मारी जाएंगी। एक तो बड़ी मुश्किल से ये जो खेल है, खेलों की दुनिया में लड़कियां आती हैं। इतिहास गवा रहा है कि हमारे देश में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में ओलंपिक से लेके हर जगह ज्यादा नाम किया है। कितनी मुश्किल से वो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं। घर से बाहर अगर निकल रही हैं तो और जगह तो छोड़ दीजिए, एक जो दूसरा घर उनके लिए जो बहुत पवित्र मंदिर जैसा होना चाहिए, उनका खेल संघ, वहीं पे जो सर्वोच्च सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है उसी की गलत निगाह लगी हुई है। दो बातें बड़ी खुल के आई हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट, ये दो बातें आई। और अगर लगातार, और उन महिला खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक में मेडल हासिल किया है, अगर उनके साथ ये हो रहा है तो जो नई लड़कियां जाती होंगी, जिन जो अभी स्टेट लेवल पे खेल रही है, नेशनल लेवल पे खेलने का है, तो उनके भीतर कौन सा माहौल होगा, कैसी परिस्थिति होगी, क्या कौन सा मनोबल होगा कि वो वहां पे काम करेंगी, वहां पे अपने आप को खड़ा करेंगी। नार्को टेस्ट का प्रोविजन सबसे पहले CIA लेके आई थी, जहां पे शीत युद्ध के दौरान वो लोगों से सच उगलवाना चाहते थे पकड़ के, लेकिन वो चीज कभी फुल प्रूफ नहीं रही, पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं है, और यह नहीं कहा जा सकता है कि जो नार्को टेस्ट होगा वो 100% सफल होगा, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसको भी पार कर जाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज, यह मनोबल किसी का कहां से आता है कि अपराधी होते हुए भी, कम से कम एक्यूज है वो व्यक्ति, जी बिल्कुल, और
एक्यूज होते हुए भी इतना मनोबल है, यानी कि उस व्यक्ति को यह पता है कि किसी भी तरीके से उस टेस्ट में वो बरी हो जाएगा। और वो किस तरीके से होगा बरी, क्या उसका वहां पे प्रभाव है, क्या उसका, और ढेर सारे मैसेज जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जबकि उसकी सत्ता उसकी ताकत कहीं पे भी कोई कमी नहीं आई है। इससे लोगों के मन में और ज्यादा भय व्याप्त होता है। दूसरी चीज जान लीजिए कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक है सेक्सुअल असाल्ट, दूसरा है सेक्सुअल हरेसमेंट, और तीसरा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट। जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट है उसी की दशा में सबसे गंभीर धाराएं लगती हैं, और ये दो तरीके से डील किया जाता है। एक तो इंडियन पेनल कोड में, अगर कोई बालिक के साथ होता है, किसी वयस्क महिला के साथ होता है, और किसी अवयस्क के साथ होता है, तो उसमें लड़के लड़कियां सभी शामिल हैं। अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है बिल्कुल तो उस दशा में पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4 लगेगा, जिसमें मिनिमम 20 साल की सजा है और उसमें फांसी की भी सजा हो सकती है। इसी तरीके से अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा तभी जाके जो आईपीसी का सेक्शन 376 और उसकी जो तमाम सारी उपधाराएं हैं उनमें से कोई चीज लागू होती है, नहीं तो वो 300 आईपीसी के 354 के विभिन्न धाराओं उपधाराओं के भीतर चला जाएगा। उसमें भी सजा अधिकतम 7 साल की होती है। जब सिर्फ सेक्सुअल हरेसमेंट और सेक्सुअल असाल्ट का केस होगा तो जी या तो सेक्शन 10 ये पॉक्सो एक्ट लगेगा या सेक्शन 12 पॉक्सो एक्ट लगेगा। एक में 3 साल तक की सजा है, दूसरे में 7 साल तक की सजा है। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर जी सारा खेल पुलिस के लेवल पर हो जाता है। पुलिस यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, अव्वल तो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, एफआईआर अगर दर्ज की जाती है तो सही से दर्ज नहीं की जाती है। फिर जो बयान दर्ज किए जाते हैं पीड़ित का बयान दर्ज जिस तरीके से किया जाना चाहिए उसके लिए उसको एकदम भयमुक्त माहौल होना चाहिए। जैसे पैक्सो एक्ट कहता है कि जी पीड़िता के घर पर जाकर बिना वर्दी की पुलिस जाएगी, वर्दी में जी नहीं जाएगी, और उसके घर पर जाकर बयान दर्ज करेगी। इस मामले में पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं पता। बिल्कुल अगली चीज, जल्दी से जल्दी आप उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाइए। अभी हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे थे तो उसमें साक्षी मलिक और दूसरे लोगों का बयान यह था कि पुलिस जो है 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज करवाने के लिए नहीं ले जा रही है। अगर 164 के बयान नहीं हुए हैं जी तो ये बड़ी गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जो पीड़ित है उसके मनोबल को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए, वो थक हार के बैठ जाए, इस तरीके से चुनौती देते हुए कोई सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट का अपराधी या एक्यूज पर्सन इस तरीके से इस भाषा में तो बात कर ही नहीं सकता है, ना तो उसके करने दिया जा सकता है, क्योंकि न्याय का शासन स्थापित हो इसके लिए न्याय के परिवेश को स्थापित करना होता है, और न्याय का वह परिवेश निर्भय होना चाहिए। ये बयान देने क्यों दिया जा रहा है, और ये बयान जो वो दे रहे हैं इस बयान, और इस बयान पे जो पूरे सत्ता प्रतिष्ठान है उनकी जिस तरीके से चुप्पी है, वो जी बयान देने के लिए क्यों मौजूद है। पिछली बार मैंने कहा था कि जो धाराएं लगी हैं उनमें इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं लेकिन क्या जो वर्तमान धाराएं हैं जी यही धाराएं, हाँ क्या इसमें पुलिस कभी किसी को गिरफ्तार नहीं करती है? पुलिस करती है गिरफ्तार, करती क्योंकि जो एक्यू जो जो पीड़ित है उसके भीतर वो निर्भय हो सके। अगर जी कोई इस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लगातार प्रेस मीट में जा रहा है, तो नहीं ऐसे व्यक्ति को अगर बिहाइंड द बार्स नहीं रखा जाता है, इन्हीं धाराओं में ढेर सारे लोगों को महीनों महीनों तक जेल में सड़ाया जाता है, तो इसमें क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? गिरफ्तारी के एक एक मसले में कंटेंट देखा जाना चाहिए कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जी उसका उस केस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जो कि पीड़ित हैं। और इतना ही नहीं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी, कोई ठीक इंस्पेक्टर, कोई सब इंस्पेक्टर, इसी बिल्कुल लेवल का कोई अधिकारी उसमें होगा, क्या वह निर्भय है कि वह सही सही इन्वेस्टिगेशन कर सके? यह भी देखना होगा, क्योंकि
एक निर्भय परिवेश न्याय के प्रशासन को स्थापित करने के लिए दिया जाना चाहिए। वह परिवेश नदारद है। अब वह परिवेश जब नदारद है तो जो पीड़ित है वो कितना बोल पाएगा, उसको कितना बोलने दिया जाएगा, उसका बोला हुआ कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके आगे पीछे उसको अगर पब्लिकली किसी को इस तरह से थ्रेटन किया जा रहा है तो आगे पीछे कौन से लोग लगे होंगे जो कर रहे होंगे। ये तमाम सारे ढेर सारे सवाल हैं इसके पीछे। किसी का कैरियर बर्बाद होने की धमकी होगी, किसी का कुछ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नार्को को पार कर सकते हैं, और नार्को तो पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूव्ड है भी नहीं, तो नार्को का कोई वो मसला नहीं है। यह भी एक एक जो है साइकोलॉजिकल गेम है। साइकोलॉजिकल वे गेम। लोग जो पीड़ित हैं और वे लोग जो पीड़ितों के पक्ष में खड़े हैं उनके मनोबल को गिराने के लिए। गिराने। जनज्वार, जनता की मीडिया।